मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा डायरेक्टिंग का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू क्रिएट अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है कि अगर मैं 10 लोगों को एड्रेस कर रही हूँ तो वो 10 के 10 लोग मेरी सारी बातें सेम सेंस में जो मैं कहना चाहती हूँ वो वैसे ही समझ जाएं। डैट इज़ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन को आप कह सकते हैं इट प्लेज अ की रोल इन सक्सेस ऑफ ए मैनेजर। की रोल इन सक्सेस ऑफ ए मैनेजर मतलब एक मैनेजर कितना सक्सेसफुल होगा, दैट लार्जली डिपेंड्स अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करने के प्रोग्राम्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के प्रोग्राम्स हैं। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अगर एक मैनेजर बहुत हाईली एजुकेटेड है, हाईली स्किल्ड है, हाईली प्रोफेशनल है, बट ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद हिज टीम मेम्बर्स, विद हिज पीपल इन एन एफिशिएंट और एन इफेक्टिव वे, he is not able to deliver whatever things he has, whatever plans he has in his mind, then uski sari degree, uski sari education based hai. Kyun? Kyunki he lacks communication skills. So communication is very important. Now coming to definition of communication, aap yaad karenge कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और more persons to reach common understanding. So what is communication? Communication is the process of exchange of information. हम क्या कर रहे हैं, information को exchange कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या एक्सचेंज कर सकते हैं? वी कैन एक्सचेंज एनी आइडिया, एनी फीलिंग, एनी फैक्ट, एनी इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। टू और मोर पर्सन्स का रेलेवेंस क्या है? दैट मीन्स वन पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट विद हिमसेल्फ, हम खुद अपने आप से बातें नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन हैज़ टू बी बिटवीन टू और मोर पर्सन्स to reach common understanding so that we are able to create a common understanding. हम एक common understanding को create कर पाते हैं, सब लोग एक ही बात को सही से समझ पाते हैं। That is what is communication. So what is communication? Communication is the process of exchange of information between two or more persons to reach common understanding. Now प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड सेंडर। सेंडर से शुरू होगा। सेंडर क्या भेजेगा? सेंडर सेंड्स द मैसेज। मैसेज किसके थ्रू जाता है? मीडिया के थ्रू। एंड the message will be in encoding form.
मीडिया से कौन रिसीव करता है? रिसीवर। और वो क्या करता है मैसेज को? डिकोडिंग। उसके बाद रिसीवर क्या देगा? फीडबैक। किसको देगा? सेंडर को। और इसके सबके बीच में क्या है? नॉइस। सो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो मैसेज भेज रहा है। सेंडर ने क्या भेजा? मैसेज भेजा। सेंडर मैसेज किसके थ्रू भेजता है? मीडिया के थ्रू। मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया कैन बी द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मैसेज आपका रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, आप इंटरनेट कॉलिंग कर रहे हो, आप फोन कॉल कर रहे हो, तो पाथ थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड द मीडिया। जो मैसेज हम भेजते हैं वो किस में भेजते हैं? एनकोडिंग फॉर्म में। एनकोडिंग फॉर्म का मतलब होता है एक स्पेशल कोडिंग। इट्स द कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू अ सेंस सो डैट उसको सेंडर रिसीवर के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। दैट इज व्हाट इज एनकोडिंग। और मीडिया से फिर वो मैसेज किसके पास जाता है? रिसीवर के पास, जिसको मैसेज देना है। वो क्या करेगा मैसेज रिसीव करने से पहले? उस मैसेज को डिकोड। डिकोड का मतलब अगेन कन्वर्टिंग द मैसेज फ्रॉम द कोट्स टू नॉर्मल मैसेज सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड द मैसेज। वंस ही हैज अंडरस्टूड द मैसेज, वंस ही हैज रिसीव्ड द मैसेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट हैज शुड गिव इज हिज फीडबैक। उसके बाद उसको क्या देना चाहिए? अपना फीडबैक देना चाहिए। वो क्या देगा? अपना फीडबैक देगा। किसको देगा फीडबैक? सेंडर को। सेंडर के पास जब तक फीडबैक नहीं आता, जब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों फीडबैक इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फीडबैक ये बताता है सेंडर को कि द रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज इन द सेम सेंस और रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज। जो भी सेंडर ने मैसेज दिया था वो मैसेज रिसीवर को समझ में आ गया है। उसके बाद मैंने बीच में लिखा है नॉइस। अब नॉइस का क्या मतलब है? नॉइस मीन्स ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंसेस टू कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज नॉइस? ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंस टू कम्युनिकेशन। ऑब्स्ट्रक्शंस और हिंड्रेंस का मतलब रुकावटें टू कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हमारे कम्युनिकेट करने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इट कैन बी फ्रॉम द एंड ऑफ रिसीवर, इट कैन बी फ्रॉम द एंड ऑफ सेंडर। एग्जांपल्स, जैसे यू कैन से पुअर टेलीफोन कनेक्शन। अब मैं क्लास लेती हूँ, आप कहते हो ना मैम हमें को फोटो क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू आ रहा है। तो अगर पुअर टेलीफोन कनेक्शन है तो हमारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। इनअटेंटिव रिसीवर, ये भी हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम है। पढ़ा रही हूँ, बच्चे क्लास लीव करके चले जाते हैं बिकॉज वी आर इनअटेंटिव, वी डोंट वॉन्ट टू पे एनी अटेंशन। फॉल्टी डिकोडिंग। फॉल्टी डिकोडिंग का मतलब जो हमने डिकोड किया है मैसेज, तो हमने जब उसको इन्फर किया तो हमने गलत इन्फर कर लिया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी दो या तीन आपने याद कर दें। सो दिस वॉज अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन का प्रोसेस।
और एग्जाम्पल्स ऑफ नॉइस बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं।